तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फर्स्ट व्लॉग। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं दूधोला यूनिवर्सिटी कॉलेज में। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाबूराव का स्टाइल है। हेलो गाइस, हम दूधोला यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं। आगे चल के आपको हम दिखाते हैं कि क्या क्या चीज हमको देखने को मिलती है। वेबसाइट है sbsu.ac.in और उसी पे सारे लैब जितना भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। एडवांस वेल्डिंग लैब, एडवांस वेल्डिंग लैब, और वेल्डिंग क्या होती है आपको पता है सभी को? उसमें क्या करते हैं, हम मेटल्स को जोड़ते हैं, ठीक है? बहुत सारे कुछ भी पढ़ा सकते हैं, मेटल्स को जोड़ते हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी को डिपेंड करता है। तो जो भी आपने मेटल्स जोड़नी है तो वो किसके हेल्प से होगा? वेल्डिंग। तो वेल्डिंग की बहुत सारी प्रोसेसेस होती है। तो गाइस, जैसा कि सर ने आपको वेल्डिंग के बारे में बताया, तो आगे हम और में देख के और आपको हम बताते हैं। गाइस, अब हम आपको ऊपर चल के दिखाते हैं। गाइस, अब सर बता रहे इसके बारे में जानकारी, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। पहले सर की चीज, सर क्या बता रहे हैं? रेजिस्टेंस हो गई, ट्रांसफार्मर हो गया, यस सर, और आपका RFID का टैग हो गया। RFID जो आपने तो गाइस, आपने बहुत कुछ देख लिया होगा और आपको हम आगे ले जाते और आगे दिखाते। ये पहले आपको मैं बता देता हूँ, ये है विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी जो कि है दूधोला में। तो गाइस, अब यार हम कैंपिंग का हमको लगे कुछ खा के आते हैं। तेरा क्या होगा कालिया? दूधोला में है ये यूनिवर्सिटी। विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी कॉलेज, जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, दिखाने इसको।
गाइस आपने विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी देख ली और आपको सर ने भी आगे बता दिया था, तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आपको नई नई चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं। माय नेम इज सर्जन। तो गाइस अब हम जा रहे हैं अपनी बसों में, तो आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।